हाजीपुर और सहारनपुर के बीच 16 मिनट का मुकाबला है, 8 मिनट का हाफ है। एक तरफ हाजीपुर की मजबूत टीम है, दूसरी तरफ सहारनपुर की टीम है। देखना है कि ये मैच कौन सी टीम यहां से जीत कर अपने कदम आगे बढ़ाती है। प्रियांशु एक छोटे कद के रोना, लेकिन क्या खूबसूरत पहला पॉइंट अर्जित करती हुई हाजीपुर के टीम में 0 के लिए। विशाल तो नाम है उनका, उनकी जर्सी पर कोशिश करते हुए इस समय बिल्कुल शुरुआती क्षण है, लेकिन रेड यहां से लगातार की अच्छी, एक अच्छा रडर है निश्चित तौर पर हाजीपुर टीम की, रील समझे जाते हैं वो। और यहां पर एक और कमाल होता हुआ एक पॉइंट लेकर जाते हुए उछलते हुए अपने आप को बचाया अशीत ने 2-0 की लीड। कोशिश करता हुआ रेडर, अभी तक खाता नहीं खुला है टीम सहारनपुर का। क्या कोई टच पॉइंट, क्या जबरदस्त चैन बनाया यहां पर, और आगे से नवी पॉइंट अर्जित करते हुए टीम हाजीपुर। रेडर अभी चार खिलाड़ी मात्र, कोशिश करते हुए और यहां पर ऐसे पॉइंट और अर्जित करते हुए अति लगातार बहुत बनाती हुई यहां पर सहारनपुर के खिलाफ। कुछ करना होगा पलटवार यहां से सहारनपुर को, लेकिन कोई मौका नहीं देना चाहेगी यहां पर हाजीपुर की टीम। विशाल कोशिश करते हुए सहारनपुर के रेडर, एक छटपटाहट नजर आती हुई और पहला पॉइंट यहां पर अर्जित किया शेबू ने। एडवांस 3 पॉइंट की बढ़त हो चुकी है इस समय। इधर रेडर और यहां पर हालांकि एक पॉइंट और सादिक ने दिया है, गलत डिफेंडर यहां पर बीच से निकलकर टैकल करने का प्रयास, तो 4 और 2 बढ़त धीरे धीरे कम करती हुई सहारनपुर के प्रियांशु के द्वारा, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। एक और यहां पर रख गई है, लेकिन रेफरी नहीं लगेगी और एक पॉइंट का इशारा आता हुआ, एक पॉइंट यहां पर दिया गया। चलिए खिलाड़ी अपने फूल आता हुआ 4 और 5 बढ़त मात्र एक पॉइंट की बची है इस समय। प्रियांशु 2 पॉइंट ले चुके हैं प्रियांशु, एक और कोशिश प्रियांशु की इस समय। अरे सर, छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है, लेकिन एक लंबा स्ट्रेच करते हैं, लंबा स्ट्रेच करते हैं, रेडम पी गई। इधर रेडर सहारनपुर 4 खिलाड़ियों के साथ डिफेंड करती हुई टीम, और इस बार प्रियांशु को साथ नहीं दे पाए 2 पॉइंट, पहली बार बहत पर इस समय सहारनपुर की टीम। मेराज हालांकि एक अच्छे डिफेंडर हैं, शेबू और मेराज के रूप में, और यहां पर काम तमाम किया गया, सुपर टैकल होता हुआ यानी बहुत पूरा बनाती हुई 2 पॉइंट आएगा यहां हाजीपुर के लिए। 7 और 6 मेराज पूरा गए हैं, हालांकि इसके पहले रेडर की एंट्री गई थी, रेडर के रूप में उतना मशहूर नहीं है मेराज। और यहां पर प्रशूट की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन बचाया अपने आप को मेराज ने। एक और सुपर टैकल ऑन है, एक सुपर टैकल कर चुकी है टीम हाजीपुर, एक पॉइंट की बढ़त भी बनाया है, और यहां पर लंबा स्ट्रेच करके एक पॉइंट अर्जित किया, बराबरी पर पहुंचता हुआ मुकाबला 7-7 की बराबरी पर मुकाबला। शिबू गए हैं रेड करने के लिए, हालांकि ये भी डिफेंडर ही है, रेडी अदा कदा करते हैं जब मैं रेड के बेंच पर होते हैं, कोशिश करते हुए शिबू रेडी तैयार रहे, बराबरी पर मुकाबला। चलिए टाइम आउट लिया गया, हालांकि पॉइंट का जहां तक सवाल है बराबरी पर है दोनों टीमें। कोशिश करता हुआ रेडर,
पूरा 72 पहुंचती हुई 8-7 बिल्कुल बिल्कुल मेरा अच्छे एंकल होल्डर है लेकिन आज दोनों पैरों को होल्ड किया उन्होंने अच्छी को रिवाइव करवाया एक अच्छे रेडर है वो अंकल जी नौ सात पॉइंट सॉरी सुपर टैकल हुआ था तो दो पॉइंट आखिरी रेड हो गई है जी आखिरी रेड आई है हाफ टाइम के पहले की सुपर टैकल हो गई है सुपर टैकल पुनः ऑन है दो सुपर टैकल कर चुकी है टीम हाजीपुर कोशिश का काम हुआ है ना दो पॉइंट की बढ़ा गए और यहां पर कोशिश लेकिन आउट यहां पर आउट करार दिया गया है सहारनपुर के पास पूरा मौका है पलटवार करने का यहाँ पर हाफ टाइम खत्म होता है ना तो 11-7 यानी 4 पॉइंट की बढ़त है सहारनपुर 4 पॉइंट की बढ़त है हाजीपुर की 4 ही खिलाड़ी बाकी है क्या ऑल आउट करेगी हालांकि एक समय मात्र 2 खिलाड़ी बचे थे और रिवाइव करवाया वहां पर अपने खिलाड़ियों को कोशिश करते हुए और यहां पर अतीत ने जबरदस्त तरीके से यहां पर बस 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 भाई विशल बच जाए तो छोड़ दो विशल बच जाए तो छोड़ दो विशल बच जाए विशल बच फटाइटल करके बढ़त को कुछ कम करेगी या बढ़त बढ़ाएंगे यहां से ऑल आउट करके अति हालांकि सेफ रेड करके वापस जाते हुए और जल्द कुछ करना होगा क्योंकि समय धीरे धीरे उनके हाथों से खिसकता हुआ मेरा गलती कर बैठे थे लेकिन बचाया आपने आपको पुनः कोशिश करता हुआ रेडर एक बार पुनः छठाहट जो होती है पिछड़ने की वो नजर आती हुई क्योंकि जानते हैं यहां से कुछ पॉइंट लेना है यहां से सहारनपुर की टीम पलटवार करेगी या नहीं मुश्किल वक्त है सहारनपुर के लिए इस समय प्रियांशु है रेडर भैया यहां पर जो हमको ऑफिशियल बताए वही जानता हूं रेडर सहारनपुर पिछड़ती हुई टीम अगर एमपी में जाती है तो इससे दिक्कत बनेगी जरूर और यहां पर टैकल किया गया है एक और सुंदर टैकल एक पंडाल लेती हुई यहां पर हाजीपुर की टीम पूरी तरह से इस समय दबाव बनाए हुए है सहारनपुर पर कोई मौका नहीं देना चाहिए 2 मिनट बचा है 2 मिनट और बचा है इस समय 2 खिलाड़ी भी बचे हुए हैं सहारनपुर के ऑल आउट करेगी टीम हाजीपुर हालांकि एक समय हाजीपुर ऑल आउट होने वाली थी मात्र 2 खिलाड़ी बचे थे वो कारनामा चलिए सब्स्टिट्यूट रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर लगातार अपने खिलाड़ियों को बदल रहे हैं रेडर को सेव करके बाहर लगाते हैं पूरा लाते हैं कोशिश कर रहा और यहाँ पर हालांकि लीजिए टैकल किया गया है एक और टैकल यहाँ पर हाजीपुर का बोनस 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट दोनों टीमों को इस तरह से 8-14 चलिए इस पे ऑल आउट होना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि गेम खत्म करेगा यहाँ पर 1 मिनट बचा है 2 पॉइंट है पॉइंट बता दीजिए 3 पॉइंट है अभी 3 पॉइंट हाजीपुर कितना पॉइंट हुआ 17-8 पॉइंट की बढ़त बना चुकी है यहाँ पर टीम 1-18 है 1-8 है 10 मिनट का अंतर चल रहा है कुछ बचा नहीं है सहारनपुर के लिए अब इस मैच में नो क्रॉस की रणनीति अपनाते हुए और इस रणनीति पे कामयाबी हासिल की है नो क्रॉस में उन्होंने 1 पॉइंट अर्जित किया चलिए यस 2 पॉइंट का इशारा आता हुआ चलिए सहारनपुर तो नौकरात रणनीति अपनाई ठीक है लेकिन हाजीपुर वाले क्यों नौकरात की रणनीति अपनाई है जैसे को पैसा ताव में आके और ऐसे में मैच खराब होता बिल्कुल बिल्कुल वक्त बहुत नहीं है और ये लीजिए एक और टैकल यहाँ पर
लगातार पैदल करती हुई टीम इस बार शिकंजे में दो सुपर टैकल, दो पॉइंट आएगा। टाइम कितना बचा? टाइम 3 सेकंड का बचा है। देखो देखा जाए तो टाइम नहीं होता है, 20-12 का अंतर है, इसलिए टाइम बहुत महत्व नहीं रखता। चलिए नो क्रॉस लास्ट रेड संभवतः होगी या हो सकता है एक आध रेड अंक और हो। गणेश कला पूरा जाए क्योंकि जब अंतर ज्यादा होता है दर्शक शांत रहे। चलिए टाइम खत्म हुआ, यहां से इस तरह यह मुकाबला हारी तुमने जीत लिया है।